नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे गैरेज में आई है बजाज कंपनी के पल्सर मोटरसाइकिल, 150 सीसी के है दोस्तों। देख सकते हैं ये 150 सीसी का है, देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे ये CDI के ऊपर में कि CDI सही है कि ख़राब है, हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर दोस्तों हम फोकस करने वाले हैं कि एक्चुअली में करेंट ना आए तो CDI सही है कि ख़राब है, हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये CDI सही है कि ख़राब है, ठीक है। तो दोस्तों मल्टीमीटर से आज हम चेकअप करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि बाय चांस इस बाइक में अगर करंट ना आए तो CDI सही है कि ख़राब है, हम कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ठीक है। और ये मल्टीमीटर से हम चेकअप करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनपुट लाइन चेकअप करेंगे, ठीक है, कि इनपुट लाइन कहाँ कहाँ पर कौन कौन वायर में आता है दोस्तों। तो सबसे पहला हम यहाँ के सॉकेट रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहला पिकअप कॉइल चेकअप करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये है पिकअप कॉइल का वायर जो उजला पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला वायर पिकअप कॉइल से आता है और CDI में इनपुट आता है दोस्तों, इनपुट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला पिकअप कॉइल चेकअप करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर से ही हम आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर कहाँ पर लगाना है, तो कंटिन्यूटी मोड पर लगाना है, देख सकते हैं यहाँ पर लगाना है दोस्तों, ठीक है। और पिकअप कॉइल हम चेकअप करेंगे। तो दोस्तों एक वायर हम कहाँ पे लगाएंगे, तो पिकअप कॉइल के वायर में लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं पिकअप कॉइल के एक वायर में मल्टीमीटर के एक वायर हम लोगों ने यहाँ लगा दिए है और एक वायर मल्टीमीटर का दोस्तों हम बॉडी अर्थिंग यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर में दोस्तों आप देख सकते हैं 2 से 6 रीडिंग बता रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमको ये पता चलता है कि पिकअप कॉइल भी परफेक्ट है और पिकअप कॉइल का वायर बीच में से कहीं से भी काटा हुआ नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं मल्टीमीटर में 2 से 6 दिखा रहा है। तो हमको दोस्तों ये पता चलता है कि पिकअप कॉइल एकदम सही है, पिकअप कॉइल में कोई खराबी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया पिकअप कॉइल का वायर चेकअप का, ठीक है। अब दोस्तों हम चेक करने वाले हैं बॉडी अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग भी ये CDI में इनपुट आता है दोस्तों, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग भी एकदम ईजी है दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करना, ठीक है। मल्टीमीटर यहीं पर रहेगा दोस्तों, पिकअप कॉइल यहीं पर भी चेकअप होगा और दोस्तों बॉडी अर्थिंग भी यहीं पर चेकअप होगा दोस्तों, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग CDI में ये वाला वायर में आता है दोस्तों, जो देख सकते हैं काला पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों। तो ये वाला वायर में दोस्तों एक मल्टीमीटर का वायर हम यहाँ लगाएंगे, जो बॉडी अर्थिंग के वायर में देख सकते हैं ये वाला वायर के सामने हम लोगों ने यहाँ लगा दिया है एक मल्टीमीटर के वायर दोस्तों, और एक दोस्तों हम बॉडी में यहाँ टच करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मल्टीमीटर में पी का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा दोस्तों। तो हमको ये पता चलता है कि बॉडी अर्थिंग का ये जो वायर है ये भी परफेक्ट है और ये वायर भी बीच में से कहीं कटा हुआ नहीं है दोस्तों। बाय चांस अगर ये मल्टीमीटर पी साउंड नहीं करता तो आपको कंफर्म हो जाइए कि ये बॉडी अर्थिंग बीच में से कहीं कटा होगा दोस्तों। तो अभी ये वाला वायर सही है, परफेक्ट है, ये वाला वायर बॉडी अर्थिंग CDI में इनपुट जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी अर्थिंग का चेकअप, ठीक है। अब दोस्तों हम चेकअप करेंगे कि ये CDI में 12 वोल्ट करेंट आता है कि नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो 12 वोल्ट चेकअप ये मल्टीमीटर देख सकते हैं हम यहाँ 20 वोल्ट पर सेट करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ 20 वोल्ट पर ये मल्टीमीटर हम लोगों ने सेट कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अब हम ये CDI के सॉकेट में ये वाला वायर में आता है 12 वोल्ट करंट, ठीक है। देख सकते हैं सिलेटी पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों, ये वाला वायर में आता है 12 वोल्ट करंट, ठीक है। तो 12 वोल्ट करंट भी हम चेकअप कर सकते हैं यही मल्टीमीटर के मदद से दोस्तों। तो एक मल्टीमीटर का वायर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ लगाना है जिसमें 12 वोल्ट करंट आता है, ये वाला वायर के आमने सामने हम लोगों ने लगा दिया है। और एक वायर दोस्तों हमको बॉडी अर्थिंग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों। तो हम लोगों का चाबी ऑन करना होगा, ठीक है। तो चाबी तो देख सकते हैं दोस्तों चाबी हम लोगों ने ऑन कर दिया है। अब यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं 12 वोल्ट दिखा रहा है बैटरी का पावर, बैटरी का वोल्ट देख सकते हैं 12 वोल्ट 43-44 दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला वायर दोस्तों देख सकते हैं ये किल स्विच, जैसे ही हम किल स्विच को ऑफ करेंगे तो ऑफ करते ही ये मल्टीमीटर में दोस्तों आप देख सकते हैं करंट गायब हो गया दोस्तों। तो 12 वोल्ट करंट यहीं से आता है दोस्तों, ये किल स्विच से आता है। जैसे ही हम किल स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही देख सकते हैं मल्टीमीटर में 12 वोल्ट करंट दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमको ये पता चलता है कि ये वाला वायर में दोस्तों 12 वोल्ट करंट भी आ रहा है दोस्तों, ये वाला वायर कहीं से काटा हुआ भी नहीं है दोस्तों, और ये वाला वायर परफेक्ट है, 12 वोल्ट करंट CDI में इनपुट आ रहा है दोस्तों। बाय चांस ये वाला वायर में चाबी ऑन करके और किल स्विच ऑन करके ये वाला वायर में अगर 12 वोल्ट करंट नहीं आता तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये वाला वायर कहीं बीच में से काटा होगा या दोस्तों ये किल स्विच दोस्तों आप देख सकते हैं ये किल स्विच खराब होगा। तो दोस्तों आपको अच्छा तरह से समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट भी आ रहा है, ये वाला वायर में दोस्तों पिकअप कॉइल का रेंज भी सही बता रहा है, ठीक है। और ये वाला वायर में दोस्तों बॉडी अर्थिंग भी सही आ रहा है दोस्तों, यानी कि इनपुट लाइन जितना भी है सब परफेक्ट है, सही है, सब में अपना लाइन शो
कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर बाई चांस करेंट ना आए और इनपुट लाइन एकदम पूरा परफेक्ट है तो दोस्तों आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि सीडीआई खराब है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सीडीआई खराब हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इनपुट लाइन सब सही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से करेंट नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ से स्पार्क जनरेट नहीं कर रहा है, तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये सीडीआई खराब हो चुका है दोस्तों। ये सीडीआई जो इनपुट लाइन तो ले रहा है, ठीक है, लेकिन आउटपुट ये सीडीआई नहीं दे पा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि ये सीडीआई खराब हो सकता है दोस्तों, पूरा कंफर्म हो जाए दोस्तों कि ये सीडीआई खराब है दोस्तों। अगर बाय चांस दोस्तों ये सीडीआई सही होता और इनपुट लाइन सब सही आ रहा होता और ये सीडीआई भी सही होता तो ये सीडीआई दोस्तों आउटपुट करेंट यानी कि निकाल पाता दोस्तों और यहाँ से करेंट जनरेट होता दोस्तों। लेकिन दोस्तों पूरा इनपुट लाइन भी सही आ रहा है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ से करेंट जनरेट नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये सीडीआई अपना जो आउटपुट करेंट होता है यानी कि ये करेंट जो बाहर निकलता है आउटपुट करेंट वो यानी कि ये सीडीआई नहीं निकाल पा रहा है दोस्तों। तो उस केस में दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि ये सीडीआई खराब हो चुका है दोस्तों। तो आउटपुट करेंट दोस्तों ये वाला वायर में सीडीआई निकलता है, देख सकते हैं जो पूरा के पूरा काला वाला वायर है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं काला पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों। तो ये दोनों वायर में दोस्तों सीडीआई क्या करता है कि आउटपुट करंट भेजता है हाई टेंशन कॉइल में, ये हाई टेंशन कॉइल में भेजता है और एक ये दोस्तों ये हाई टेंशन कॉइल में भेजता है दोस्तों, ठीक है। और एक ये वायर देख सकते हैं जो यहाँ गुलाबी कलर के वायर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों टीपीएस सेंसर जो कार्बेटर में एक लगा रहता है, टीपीएस सेंसर का ये वायर है दोस्तों। तो करेंट के मामले में ये वाला वायर के कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना तो कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।